दोस्तों, ना जाने दुनिया में कितना सारा फ्रॉड होता है और अभी भी इतना सारा फ्रॉड हो रहा है। तो ऐसा ही एक फ्रॉड कल मेरे साथ हो रहा था, तो क्या हुआ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवू और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल देवू यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देखिए हुआ कुछ ऐसा कि कल मेरे पास एक कॉल आया, ठीक है। तो कॉल में क्या है कि मुझे बोला गया कि वो लोग बोल रहा है एयरटेल कंपनी की तरफ से, तो वो लोग को चाहिए 10x10 फीट का एक जमीन, खाली जमीन या खाली कोई छत भी होने से हो जाएगा। तो ऐसा बोला गया कि अगर आपके पास है तो आप बोलिए, हम लोग वहां पे एक टावर इंस्टॉल करेंगे जो कि है 4G टावर। वो कॉलिंग टावर नहीं है, वो 4G टावर है, ठीक है। उसमें सिर्फ नेट कनेक्शन, नेट के लिए वो टावर वो लोग इंस्टॉल करेगा, उसमें कोई कॉलिंग नहीं होगा। और वो जो टावर है वो चलेगा सोलर के माध्यम से, मतलब कि सूरज का जो रोशनी है उसके माध्यम से वो चार्ज होगा एंड उसके माध्यम से वो चलेगा। उसमें ना तो कोई पेट्रोल, ना तो कोई डीजल जनरेटर या उसमें ना तो कोई इलेक्ट्रिक यूज होगा, ठीक है। तो वो लोग मुझे ऐसा बोला और मैंने जब पूछा उनसे कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा एंड मुझे कितना कुछ मिलेगा, मतलब कि मंथली मुझे कितना मिलेगा एंड एडवांस मुझे कितना मिलेगा, ये सब मैंने उन लोग से पूछा। तो दोस्तों, वो लोग मुझे बोला कि आपको देंगे हम लोग 15 लाख रुपया जो कि एडवांस, ठीक है। वो होगा 25 साल के लिए एग्रीमेंट, 25 साल के लिए एग्रीमेंट करेगा, 15 लाख रुपया देगा एडवांस और पर मंथ देगा 26,000 रुपया टावर का भाड़ा, जो टावर जो जमीन पे लगा हुआ रहेगा उसका भाड़ा देगा 26,000 रुपया और 15,000 रुपया देगा सिक्योरिटी गार्ड को महीना, मतलब उसको सैलरी देगा। तो वो जो है वो मतलब सिक्योरिटी गार्ड जो है वो मेरा ही फैमिली से कोई हो सकता है या मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो ये देगा वो लोग नौकरी है, तो उसमें 15,000 रुपया मिलेगा सिक्योरिटी गार्ड को, 26,000 मिलेगा टावर का भाड़ा और 15 लाख तो एडवांस देगा। तो ऐसा मुझे बोला गया। तो मैंने पूछा तो ठीक है, इसके लिए क्या कुछ अप्लाई करना पड़ेगा या कहाँ पे जाना पड़ेगा या आप लोग आओगे, बताइए प्रोसेस क्या है। तो वो लोग मुझे बताया कि देखिए, इसके लिए हम लोग आपका जो लोकेशन है उस लोकेशन को सैटेलाइट के माध्यम से चेक करेंगे कि उस जमीन में टावर बैठाने लायक जमीन है या नहीं है, मतलब उसको टेस्ट किया जाएगा कि उसमें टावर बैठाने से वो रहेगा या कोई दिक्कत होगा या कुछ रेडिएशन वगैरह कुछ वहां पे दिक्कत होगा कि नहीं होगा, वो चेक किया जाएगा सैटेलाइट के माध्यम से। तो सोचिए दोस्तों, सैटेलाइट के माध्यम से जमीन चेक कर लेगा, उनको पता भी नहीं है मैं कहाँ पे हूँ, किस जमीन की बात कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं बैठा हूँ, लेकिन वो लोग चेक कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया कि सैटेलाइट के माध्यम से कैसे चेक हो सकता है। तो फिर भी मैंने उन लोग को बोला कि ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वो लोग मुझे बोल रहा है कि आपका जमीन जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से टेस्टिंग होने के बाद सब कुछ अगर सही रहता है तो उसके बाद आपको हम लोग को भेजना है कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने पूछा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बताइए। तो वो लोग मुझे बोल रहा है कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन का पेपर्स और 4 कॉपी फोटोज और बैंक का कैंसिल चेक, ये सब चीज मुझे भेजना है, मतलब कि वो लोग को भेजना है। मैंने पूछा कैसे भेजना है, तो वो लोग बोला है कि ईमेल का माध्यम से भेजिए या व्हाट्सएप करके भेजिए। तो मैंने बोला कि ये जो चीज आप लोग मांग रहे हो तो एकदम पूरा बहुत ही अच्छा एक डॉक्यूमेंट है, मैं कैसे भेज दूंगा आप लोग, आपको तो मैं नहीं पहचानता। तो वो लोग बोल रहा है कि देखिए, ये एकदम ओरिजिनल है, आप बिल्कुल मत डरिए, हम लोग एयरटेल कंपनी का तरफ से ही है। तो मैंने बोला चलिए ठीक है, आप जब एयरटेल कंपनी का तरफ से ही है तो कोई प्रूफ दे दीजिए मुझे। तो वो लोग बोला कि कोई प्रूफ मैं नहीं दे सकता, आपको अगर जानना है, आपको अगर डाउट है तो आप गुवाहाटी आ जाइए, गुवाहाटी आके हम लोग का ऑफिस विजिट कर लीजिए एंड देख लीजिए। तो मैंने बोला जी नहीं, अगर आप गुवाहाटी में रहते हो तो आप मेरा लोकेशन पे इजीली आ सकते हो, ठीक है। तो वो लोग बोला कि नहीं, हम लोग नहीं जा सकते, पहले डॉक्यूमेंट चेक करेंगे फिर जाएंगे। तो मैंने बोला कि नहीं, ये चीज मुझे फ्रॉड लग रहा है। इसके लिए मैंने डायरेक्ट उनको वो लोग को बोल दिया कि आप लोग फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट मैंने बोल दिया कि आप लोग ये फ्रॉड कर रहे हो। तो वो लोग बोला कि देखिए, आप कैसे डायरेक्ट बोल सकते हो फ्रॉड, अलम देखिए आप लोग आ नहीं सकते, मैं डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, आप लोग सैटेलाइट के माध्यम से देख लेंगे, ये सब चीज कोई भी ठीक मुझे नहीं लग रहा है, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो वो लोग थोड़ा सा मतलब गुस्सा हो गया क्योंकि वो लोग का काम नहीं होगा। तब मैं और भी ज्यादा श्योर हो गया कि ये एकदम फ्रॉड है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर डायरेक्ट एयरटेल कंपनी का तरफ से ही होता तो कोई भी गुस्सा नहीं होता। वो लोग बोलता ठीक है, अगर नहीं देना है तो मत दीजिए, बस हो गया, ऐसे करके फोन रख देता। तो ये लोग क्या हुआ, गुस्सा हो गया, इसके मतलब ये लोग का मन में कोई गलत चीज करने का इरादा था, इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहा था, ठीक है। तो वो जब गुस्सा होकर मुझे बोलने लगा कि कैसे आप बोल सकते हो फ्रॉड, मैंने बोला आप बिल्कुल फ्रॉड हो।
तो जब मैं पूरा प्रेशर देकर वो लोग को बोल रहा था कि आप बिल्कुल फ्रॉड हो, तो वो लोग क्या किया, फोन को कट कर दिया। ठीक है, फोन को कट करके फोन को रख दिया और फोन मतलब मुझे और फोन भी नहीं आया दोबारा, फोन वो लोग काट दिया। वो लोग समझ गया कि ये बंदा जो है ये समझ गया है कि हम लोग फ्रॉड है, तो फोन चलो रख देते हैं। ठीक है, तो मुझे फिर भी एक लगा कि शायद ऐसा हो भी सकता था या नहीं, एक बार कंफर्म कर लेते एयरटेल वालों को फोन करके। तो एयरटेल वालों को मैंने फोन लगाया एंड उनसे पूछा, तो वो लोग बोला है कि नहीं सर, ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है, ये जो फोन आपको आया था ये फ्रॉड है, एयरटेल का तरफ से ऐसा कोई फोन आपको नहीं आया है। और हाँ दोस्तों, एयरटेल का तरफ से नहीं आया है, मैं तब ज्यादा सियोर इसलिए हो गया क्योंकि जियो नंबर पे मुझे फोन आया था। ठीक है, और फोन किया था एयरटेल कंपनी से और एयरटेल का सिम भी मेरे पास है, तो ऐसा अगर होता तो एयरटेल सिम पे आता फोन, लेकिन एयरटेल सिम पे नहीं आया, जियो का सिम पे। एयरटेल वालों से जब मैंने पूछा है ये बात कि ऐसा कुछ आप लोग टावर बैठाने के लिए कॉल कर रहे हैं या नहीं, तो बोला कि नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग ऐसा कॉल नहीं कर रहे, अगर आपके पास ऐसा कॉल आता है तो आप बिल्कुल भी इसमें मत फंसिए। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी शेयर नहीं कीजिए इनसे। तो मैंने बोला हाँ मेरे पास ऐसा कॉल आया था, लेकिन मैंने डायरेक्ट उन लोगों को बोल दिया कि ये फ्रॉड है और मैंने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया। तो वो लोग बोला जी सर आपने एकदम सही किया है और ऐसा आप लोग बिल्कुल भी इस सब चक्कर में मत फंसिएगा। तो मैंने बोला चलिए ठीक है, थैंक यू, यही जाना था मुझे। तो देखिए, वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आपके पास अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा फ्रॉड में मत फंसिए। आपका डॉक्यूमेंट्स लेके वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर चाहे वो तो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा फ्रॉड में बिल्कुल भी मत फंसिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना के आप लोगों को अलर्ट कर दे रहा हूं कि आप लोग ऐसा फ्रॉड में मत फंसिए। तो दोस्तों देखिए, मेरा जो इस फोन पे वो फोन आया था, ठीक है, मेरा इस फोन पे फोन आया था जो कि सैमसंग गैलेक्सी J7 2015 मॉडल। तो इसमें एक प्रॉब्लम है इस फोन पे, मतलब प्रॉब्लम बोले तो इसमें रिकॉर्डिंग करने का फीचर जो है इनबिल्ट नहीं है, जैसे कि Xiaomi का फोन पे या और भी बहुत सारे फोन पे इनबिल्ट रहता है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। ऑन कॉल में आप रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे, रिकॉर्ड होते रहेगा, तो वो नहीं हो पाया दोस्तों। तो अगर रिकॉर्डिंग कर लेता मैं तो आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग सुना देता इसी वीडियो में, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया तो फिर भी कोई बात नहीं है। जो जो बात मुझे बोला गया था मुझे बराबर एकदम सारा बात याद है, मैं आप लोगों को सारा बात बोल चुका हूँ। ठीक है, और जो है वो लोग जो है बंगाली में बात कर रहा था, तो अगर मैं रिकॉर्डिंग कर भी लेता, मतलब कि इस फोन में फोन नहीं आके अगर दूसरा फोन में फोन आता एंड मैं रिकॉर्डिंग कर भी लेता तो अगर चैनल पे डालता तो बहुत किसी को समझ में नहीं आता बंगाली। ठीक है, क्योंकि बहुत किसी को बंगाली समझ में नहीं आता है। तो फिर भी छोड़िए, जो भी है, इस फोन पे अगर रिकॉर्डिंग रहता तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता, तो इस फोन में रिकॉर्डिंग हो सकता है, मतलब ऐप पहले से डाउनलोड करके अगर रखता मैं तो उसमें रिकॉर्डिंग कर सकता था, लेकिन मुझे क्या पता कि मुझे फोन आएगा। तो जो भी है दोस्तों, तो जो जो मुझे बोला गया था एकदम आप लोगों को मैंने बता दिया। तो अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो बिल्कुल भी आप ऐसा चक्कर में मत फंसिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। एंड दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जिनको ये सब फ्रॉड के बारे में पता नहीं है उनको पता चल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सबसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।